नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पहले तो थैंक यू आप लोगों को, आपका साथ देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आज हम बात करेंगे वीर गाथा काल के 1050 से 1375 तक जो है, जिसका समय है, उसके फुटकल रचनाओं के बारे में। ठीक है, ये प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं हैं और चलिए देखते हैं। वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। कब? वीर काल समाप्त होते होते जनता की कुछ असली भाषा का रूप पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। ठीक है, असली भाषा का पता देने वाले रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको बताया? खुसरो मियाँ को और तिरहुत के विद्यापति को। इनके पहले कि जो कुछ संदिग्ध असंदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। तो यहाँ आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जहाँ हिंदी का असली रूप हमारे सामने कहाँ से आने लगता है? खुसरो और विद्यापति से। उस समय लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी ने ध्यान ही नहीं था, मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय की कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। बहुत बड़ी बात यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने साहित्य की तुलना किससे की? पुराने चावल से। मतलब पुराने जो परंपराबद्ध थे उन्हीं उसी भाषा का प्रयोग गौरव की बात समझा जाता था। पश्चिम की बोलचाल गीत मुख प्रचलित आदि पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हमें खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूरब का नमूना विद्यापति की पदावली में। ठीक है, तो पश्चिम की बोलचाल हमें खुसरो जी से पता चल रही है और पूरब की विद्यापति जी से। इसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा पूरा सामंजस्य घटित किया। खुसरो। पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक के कई पठानों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई और ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं, जिनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौर शैली या पुरानी अपभ्रंश का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी, है ना। जहाँ पर जिन पश्चिमी प्रदेशों में बोलचाल की भाषा खड़ी बोली होती थी, वहाँ पे भी जो साहित्य कहें या पद्यों या तुकबंदियों की भाषा कहें, वो ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई मिलती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है, ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों, मुकरियों और दो सुखनों में ही मिलती है, यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है ना।
पहेलियों मुकरियों दो सुखने, तो इनके मतलब खड़ी बोली में मिलते हैं, जहीं जहाँ एक आध शब्द ही ब्रज भाषा के हैं, लेकिन गीतों और दोहों में ब्रज और मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रज भाषापन देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद को ये भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी हुई पहेलियां भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिसमें तंबाकू का नाम एक नाम ही सुरती या सूरती या सुरती पड़ गया। इस प्रकार भाषा के संबंध में भी कई संदेह किया जा सकता है कि दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुराना पुर कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहारित प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। खुसरो के प्रायः 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की वाणी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं, जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई मतलब घरी, घर में के लिए क्या यूज हुआ, घरी। चला समस्या के स्थान पर चलिया, चल्या या समैया। उनई आई के स्थान पर उनमिवी आई या झुक आई इत्यादि। ये बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय इट बसिट आदि रूपों में ईट यानी ईस्ट इट और ईट, बसीट के लिए विशिष्ट बसिट विशिष्ट या बसीट हो गए थे। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया मारिया आदि पुराने रूप रखे हैं तो पहली के छंद टूट जाएंगे। अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये ध्यान रखिएगा, ये पंक्ति पूछी जा सकती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। खुसरो का लक्ष्य क्या था, जनता का मनोरंजन। कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ ना कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए। नीचे खुसरो की कुछ पहेलियां दोहे और गीत दिए जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे, क्या होगा, आकाश। ठीक, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, ज्यो ज्यो सांप ताल को खाए, सूखा ताल सांप मर जाए, क्या होगा, दिया और बत्ती। ठीक है, एक नार दो कोले बैठी, टेढ़ी होकर बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए, ये क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग, पायजामा। अरत तो इसका सूझेगा मुंह देखो, अरत तो इसका बूझेगा मुंह देखो तो सूझेगा, क्या होगा, दर्पण। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है, इसके स्थान पर ब्रज भाषा का रूप देखिए, चलिए वो भी देख लेते हैं।
चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। ठीक है, और देखिए, एक नार पिया को भानी, तन बाको सगरा जो पानी, चाम मास बाके नहीं ने, हाड़ हाड़ में बाके छेद। तो ये देखिए कहीं ये ब्रजभाषा की ओर चुकी हुई है। मोहि अचंभो आवत ऐसे, बामे जीव बसत है कैसे। अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रजभाषा अर्थात मुख बिल्कुल, अब देखिए मुख प्रचलित काव्य भाषा की भी रूप देख लीजिए। चलिए उनको भी देख लेते हैं। अज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मो मेरो मन पीयू को, दो भय एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बही चौदेश। मोरा जोवना नवेलरा भयोरे गुलाल, कैसे गर दीनी बकस मोरी लाल माल। सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोही डस डस जाए। और एक ये हजरत निजामुद्दीन चिश्ती, जर्जरी बक्स पीर, जोड़ जोड़ धरा धियावे, तई तई फल पावे। मन के मुराद दीजे भर दीजे अमीर, जे हाले मस्की मकन बरन, जुस तगाफुल दुराए नैना, बनाए बतिया की तांबे हिजरा, न दारा में जा, न लेहु काहे लगाए छतिया। सवान हिजरा दराज जूजुल, रोजे बसलत चुम उम्र कोतह, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। एक गाना याद आ रहा होगा आपको हिंदी फिल्म का, जे हाले मस्की मकन बरन जुस, जिहारे हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन। बढ़िया गाना है। चलिए अब विद्यापति को देख लेते हैं। विद्यापति जी अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर इनकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, वे इनकी पदावली है। विद्यापति जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी कौन सी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली के कारण, ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिल भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भी भाषा कितनी दूर तक समझी जा सकती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावलियों यानी वोकैबुलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा ना होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता है ना। खड़ी बोली बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कंजौजी, बैसरवाली, अवधी इत्यादि के रूपों में प्रत्ययों का परस्पर इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि के जिलों में आयल, खायल, गयल, गईल, हमार, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवा कोई दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापद की पदावली पर भी। विद्यापद के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। याद रखिएगा, पदावली के नायक कृष्ण और नायिका राधा हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो, इसका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति सैफ थे, इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से ही की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कष्ट भक्तों की परंपरा का नहीं समझना चाहिए। मतलब उन्होंने यहाँ पर कृष्ण और राधा को लिया जरूर है, लेकिन जो उनका काव्य है वो श्रृंगार रस का ही है, इन्होंने भक्ति भावना से नहीं किया है, क्योंकि विद्यापति सैफ थे। और ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है
नायक नायिका। और आगे देखते हैं, ये देखिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों में आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों में भी। ये पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कही थी, विद्यापति के बारे में कही थी, ठीक है। पदावली की चर्चा में बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों में भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं, पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में ये अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है, जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वो गोलोक में नित्य मानी गई है। जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम, सखा, गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप में हैं, इन लीलाओं का कोई दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। विद्यापति संवत 1460 में तिरुहत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। उनके दो पद नीचे दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, समय 1460 और आश्रयदाता राजा शिव सिंह, विद्यापति के आश्रय राजा दाता राजा शिव सिंह, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताती चल रही हूँ। सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सपने रूप वचन एक भासी, मुख से दूरी करुचीरे, तोहर बदन सम चांद हो आधि नाही, कयो जतन बिह केला। कै बेरी काट बनावल नबके, तयो तुहिल नहीं भेला, लोचन तुहे कमल नहीं भैसक, से जग के नहीं जाने, से फिर जाए लुकैलन जलमह, पंकज निच अपमाने, भन विद्यापति सुन बर जोवत, ई सम लक्षम समाने। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देहि प्रतिभाने, काल कहल प्रिय मांझरी रे, जाइब मई मारु देश, मोय अभागिल नाही जानल रे, संग जय तव जोगनी बेस, हृदय बड़ दारुन रे, पिया बिन बिहरी न जाई, एक सयन सखि सूतल रे, अछल बलब निसिभोर, ना जानल कत खान खन तज गेल रे, बिछुरत चकवा जोर, सुनि सेज पिए साइल रे, पिए बिन घर मोय आज, बिनत करहु सुह सहेलिन रे, मोहि देहि अगिहर साज, विद्यापति कवि गावल रे, अवि मिलत पियतोर, लखिमा देहि बरनागर रे, राय शिव सिंह नहीं भोर। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। वीर गाथा काल कहाँ तक बता रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी? हमीर के समय तक बता रहे हैं। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को ना तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा और ना मुसलमानों से। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चल पड़ी, समझ रहे हैं? जब तक जनता की चित्तवृत्ति एक तरफ थी तब तक का काल उन्होंने वीरगाथा काल रखा, अब यहाँ से जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चल पड़ी। मुसलमानों के ना जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदय गाह्य रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित ना होने दे। इस प्रकार की स्थिति साथ ही साथ भावों तथा विचारों के में भी परिवर्तन हो गया, पर इससे यह ना समझना चाहिए कि हमीर देव के पीछे किसी वीर काव्य की रचना भी ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य में इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि
किसी विशिष्ट काल में किसी एक रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई वह यद्यपि आगे चलकर मंद से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसमें सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ काव्य उसमें रचित जरूर होता रहा। आगे संदर्भ ग्रंथ देखे लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट्स पे बताते रहिएगा। दोस्तों एक बटन दबाने से लाइक हो जाता है, उसमें तो टाइप भी नहीं करना पड़ता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं इतनी देर चिल्लाती हूँ, मेहनत करती हूँ और आगे भी आपके लिए कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे उत्साह मिलता रहे। कमेंट्स ज़रूर किया करिए, आपके कमेंट्स मुझे बहुत प्रोत्साहन देते हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।